मुझे घटना याद आती है, चमत्कार कैसे प्रकट हो जाते हैं पता नहीं चलता। वो पिछले दिनों हमारे यहाँ दिल्ली में एक बाबा जी आए, दीपावली के दिन थे, तो बाबा जी का मन किया कि मैं जाकर के देखूं कि दीपावली पर दिल्ली सजाई कैसे जाती है। बाबा जी ने वो चार चेले पकड़े, चेले पीछे पीछे जा रहे थे, बाबा जी आगे आगे जा रहे थे, देख रहे थे कि चारों तरफ दीप प्रज्वलित हैं, आनंद का उमंग का पर्व उनको चारों तरफ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों बीच में एक घर ऐसा आया, ना उस घर के बाहर कोई दीप प्रज्वलित था, ना किसी प्रकार की कोई झालर लगी हुई थी, ना अन्यत्र किसी प्रकार का कोई प्रकाश था। तो बाबा जी ने उन चेलों से पूछा कि ये लोग पर्व नहीं मना रहे हैं क्या? चेलों ने कहा कि स्वामी जी हमें नहीं पता, आप स्वयं जांच लें। बाबा जी उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक दंपति, एक पति और एक पत्नी, दोनों के दोनों बड़ी गमगीन अवस्था में बैठे हुए हैं। बाबा जी ने उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, पर्व क्यों नहीं मना रहे? बोले स्वामी जी हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, इन 10 वर्षों में हमारे यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम लोग पर्व मनाए तो मनाए किसके लिए? बाबा जी ने कहा इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, आपके नाम का एक दीपक बद्रीनाथ के दरबार में जगाऊंगा, अगर अनुकंपा हुई, कृपा हुई, तो आपके घर भी किलकारियां जन्म लेंगी। दोस्तों ये कहकर के बाबा जी वहां से चले गए। 10 साल के बाद बाबा जी का पुनरागमन हुआ दिल्ली में, तो मन में एक जिज्ञासा जागी कि जाकर के देख करके आऊं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बाबा जी उस घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 10-12 बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे से बाबा जी ने पूछा, बेटा यहां पर एक घर था, वहां बच्चे बच्चे नहीं थे? बच्चा बोला, जी हम पे टाइम नहीं है, मम्मी अंदर है, उनसे पूछ लो। बाबा जी अंदर गए तो देखा कि एक महिला आटा गूंथ रही है बहुत सारा, देखते ही पहचान गई, चरण छू लिए, बाबा जी अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, किलकारियों ने जन्म ले लिया। बाबा जी ने पूछा कितने बच्चे हो गए? बोले जी 12 हो गए। बोले 10 साल में 12? बोले हाँ, एक बार जुड़वा हो गए थे। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कहां हैं? बोले जी बद्रीनाथ गए हैं। बोले क्यों? बोले जी दिया बुझाने। तालियां वालियां आए तो मिलकर के आए कि लगे कि कवि सम्मेलन ऊर्जा में आरंभ हो चुका है। ये वाला पड़ोस काफी शक्तिमान मुझे महसूस हो रहा है, इनकी तालियों की अधिक आवाज अब मुझ तक आ रही है। मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूं, पहला कवि आपको सौंपना चाहता हूं। पहला कवि व्यवस्थाओं का कवि होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जिसको उतारने वाला हूं उनको लाफ्टर चैनल से आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। आज ये गर्व का विषय है कि इस पावन पुनीत धरा पर आप लोगों को हंसाने के लिए, आप लोगों को गुदगुदाने के लिए भाई विनोद पाल की उपस्थिति होती है। मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती है, मैं आमंत्रण करना चाहता हूं कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाते हैं। मेरे इस निमंत्रण को और अधिक सशक्त बनाइएगा अपनी तालियों के हस्ताक्षर से कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाते हैं, फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाते हैं, वो आते हैं तो सब खामोश होके उनको तकते हैं, चले जाते हैं तो महफिल में चर्चा छोड़ जाते हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें भाई विनोद पाल आपके बीच। ये माइक वाले भाई, मेरा भी घर का नाम अनामिका अंबर है, आके माइक सेट कर दे थोड़ा सा। सौरभ भैया ने जो मेरी तारीफ करी, मैं सच में उस तारीफ के लायक नहीं हूं। हां तुम अपने चोचले करते रहना कि आपके लिए, भाई साहब आपके लिए, ये जो समूह बैठा हुआ है भाई साहब आपके लिए, यहां जो भाई साहब बैठे हुए हैं भाई साहब आपके लिए, ये जो लोग खड़े हैं भाई साहब आपके लिए। आ गया, अगर मेरा नाम दिनेश होता तो कभी नहीं आता। मैं फिर दोबारा से शुरू करता हूं कि भाई साहब आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, ए कैमरे वाले भाई आपके लिए, ए लाइट वाले भाई आपके लिए, ए माइक वाले भाई आपके लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे विनोद, और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो खुद छू के आए हैं। भाई साहब कह रहे थे रामायण का जिक्र कर रहे थे, मैं भी रामायण का एक छोटा सा जिक्र करता हूं। सौरभ भैया आपका परमिशन, सौरभ भैया उठाते रहे। रामायण में जब रावण मरने की स्थिति पे था तो राम ने लक्ष्मण से बोला कि हे अनुज, रावण नीति राजनीति का महाज्ञाता है,
जाओ इससे जाके पूछ के कुछ ज्ञान की बात लो। तो लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी बोले कि हे रावण, अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो मुझे कोई नीति राजनीति की बात बताइए कि अब इस जन्म में तो वैसे भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, जब कलयुग आ जाएगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो रावण ने जो बात बोली वो आप सबके बीच में रखता हूं। रावण ने बोला जब कलयुग आएगा तो 8/10/1982 को विनोद पाल नाम का कवि पैदा होगा और जो उसकी कविताओं पे तालियां बजाएगा उसे तो मुक्ति मिलेगी। देखो इनको मुक्ति नहीं चाहिए, ये यूं ही फिरेंगे यहीं पे आसमान में। मैं बड़े मन से भाई साहब देखिए, मैं आप इन तीनों कवियों को देखिए, सौरभ भैया, अनामिका दी, कविता तिवारी जी, ये बड़े कवि हैं। सौरभ भैया अनामिका दी, कविता तिवारी, ये बड़े कवि हैं। आपको पता होगा पहले के राजा महाराजा जब शिकार पे जाते तो एक मेमना साथ में ले जाते थे। इस मंच का मेमना मैं हूं, अब मेरा शिकार करना है या मुझसे मजे लेने, या आप तालियों से बताते रहेंगे भाई। बहुत अच्छे। देखिए मैं कंगन जी दिख नहीं रहे भाई साहब, कंगन जी दिखते रहना प्लीज एक बार, क्योंकि लिफाफे आपके पास ही अटके हुए हैं हमारे। हाँ एक बार दिखते रहना प्लीज। कंगन जी ने बहुत अच्छा काम किया सिमरिया के लिए, साहित्य परिषद से जुड़े हुए आदमी भाई साहब। मैंने बोला कंगन जी आपने साहित्य के लिए बहुत कुछ किया है सिमरिया के साहित्य के लिए, मैं चाहता हूं कि आपकी एक मूर्ति लगनी चाहिए चौक पे। तो कंगन जी बोले यार विनोद भाई जिंदा भाई की, जिंदा बंदे की तस्वीर है। मैंने कहा क्यों यूपी में नहीं लगी। बोले वो तो ठीक है पर विनोद भाई खर्चा कितना आ जाएगा। मैंने बोला बस यही 20 लाख। तो कंगन जी बोले यार तू 5 लाख दे दे, मैं खुद ही झंडा लेकर खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे आदमी। और देखिए मैं जहां तक की बात करता हूं, अभी ये सब बात कर रहे थे, मैं अपनी बात पे आता हूं। महिलाएं बैठी हुई हैं बहुत ज्यादा शक्ति में, पर महिलाएं ताली नहीं बजा रही हैं। मैं काफी देर से देख रहा हूं कोई भी महिला यहां पे ताली नहीं बजा रही है, सब शॉल में बिल्कुल यूं करके बैठे हुए हैं। और ये महिलाएं बड़ी चतुर होती है, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, सास वाली बस खाई में गिर गई। तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी अपनी सास से। कह रहे ना मेरी वाली तो आई ना। ये महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। एक महिला ने, एक आदमी ने अपने पत्नी को फोन किया। अब यहां से आपसे जुड़ना चाहता हूं भाई साहब। एक आदमी ने अपनी पत्नी को फोन किया, कह हेलो। लड़की बोली हेलो। बोला क्या कर रही है। कह रही घर पे खाना खा रही हूं। कह रहे खाने में क्या खा रही है। कह रही तुम ऐसी बदतमीजी रहना, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं, कोई जनरल नॉलेज की बात कर लो। तो आदमी बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 ईयर 20%, आफ्टर 25%, आफ्टर 35%, आफ्टर 4 ईयर 45%, एंड द लास्ट विल बी 50%, एंड इट विल बी रिमेन 50% टिल देन यू डोंट टेक क्लेम। यू कैन ट्रांसफर योर एनसीवी फॉर ओल्ड व्हीकल टू न्यू व्हीकल, बट बिफोर इट यू हैव टू सेल व्हीकल एंड मेक इट अ लायबिलिटी पॉलिसी। पत्नी खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। ये सब परिस्थितियां हैं। देखो अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। एक मरीज डॉक्टर से बोल रहा था, डॉक्टर साहब इस जिंदगी से तो मरना अच्छा। डॉक्टर बोला भाई कोशिश तो कर ही रही है। एक शराबी पहुंच गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जैसे ही नब्ज पकड़ी मुंह से शराब का भपका आया। डॉक्टर बोला पीते हो शराबी, हां मंगा लीजिए। अर्थ का अनर्थ हो रहा हर जगह पे, और यही करते आए हम। अब मेरे एक दोस्त को झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, अपना थोड़ा कम कर लाकर। कह रहा विनोद भाई मुझे पता नहीं चलता। मैं कहा ठीक है आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, मेरे झूठ को सुनकर तू छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया, वहां जाते ही बोला सासू मां अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपनी दोस्ती निभाई। कह रहा पास गया 80 फुट का था। मैंने फिर अपनी दोस्ती निभाई। करा घर गया फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं फिर बोला
कह रहे भाई किसी का खांसी हो तो अपना इलाज कराओ, इब सड़ा फीते से नाप ले, अब कैसा कम करूं इसे। हम परिस्थितियों में फंसे हुए लोग हैं, मैं बतला रहा हूं भाई साहब आपको। एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में पोता आया, कर दादा एक बार टैं बोल दे। दादा ने बोल दे बेटे, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादा की समझ में नहीं, इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे, कह रहे ले बेटे, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाए। अब दादा ने हाथ पकड़ा, कर चक्कर चक्कर क्या है, ये टैं क्यों लगा रहा, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा बट टैं बोल जाए, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। पर हम इन्हीं परिस्थितियों में उलझे हुए लोग हैं भाई साहब, हम इनसे निकलना भी चाहे तो ज्यादा देर तक नहीं निकल सकते। आइए मैं आपको एक एक्ट से जोड़ता हूं, फिर एक कविता से जोड़ूंगा जैसा भैया का आदेश होगा। आप में से कई लोग जानते होंगे कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। आपने देखा होगा, ये हमारे यहां के रीति रिवाज है भाई साहब, ये हमारा कल्चर चलता आ रहा है। अब मैं आप सबकी आंखों को एक दृश्य देना चाहता हूं। लड़की का वजन 150 किलो और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। पंडित जी ने बोला लड़की के बाप से, अरे जजमान हां लड़की लेके जाओ। अब जो आसपास के रहने वाले थे उनको तो सबको पता था लड़की उनकी उठाए से भी नहीं उठ सकती 150 किलो की। तो लड़की के बाप ने फिर भी औपचारिकतावश, अरे रमेश बेटा आ जा, जरा ले जा। अब बहाने सुनना लोगों के, एकदम से जिनका नाम एकदम से लिया उनके बहाने सुनना, अरे बेटा रमेश जल्दी बेटा उठा दे जरा, मेरे तो पथरी हो रही है, डॉक्टर बोल रहा है 100 किलो का पत्थर अगर जरा भी झुका तो फट के बाहर आ जाएगा। तो दूसरे से बोला, अरे सुरेश बेटा तू कर ले, कह रहे नहीं वो डॉक्टर ने वजन बंद किया, मैं तो सुई भी नहीं उठा सकता। तो ऐसे में कुछ लोगों को आदत होती है शादी में पूछने की, बाऊ जी कोई काम हो तो मुझे बताना, किसी भी तरीके का कोई काम हो तो मुझे बता। अब खुद का वजन 40 किलो और लड़की के बाप से पूछ बैठा, बाऊ जी कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था, बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, छुटकी छुटकी है, अरे ये तो मुटकी है, ये ना उठा मुझसे। पर सबने जोड़ दिया, बेटे देख अब तो तूने बीड़ा उठा लिया, अब तो उठाना पड़ेगा। तो उसने उठाने की पहली छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। वहां खड़े हुए बच्चों को लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे, बच्चे सिमरिया जिले के ही थे, उनको लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे, तो उन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना स्टार्ट कर दिया, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। उसने लड़की उठा ली भाई साहब, वो लड़की को लेके चलने लगा, वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहें तोड़ती हुई फिर मां के पास भाग के आ गई। वो जैसे ही मां के पास भाग के आई, लड़की का बाबू जा लेके आ, कह रहे हैं लेके आ, अरे यहां तक तो लिया था आधे रास्ते तक, बस यहीं पे लिया हो, बस थोड़ी दूर रह गया है, कह रहे नहीं अंदर से जाके लेके आ। उसने फिर दोबारा लड़की उठाई, अब दृश्य देखिएगा तीसरा, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था और बोलिए देख ससुर का सम्मान करना है, सास का सम्मान करना है, देवर को भाई की तरह देखना है, ननद को बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो लड़की का बाप खड़ा हुआ था, लड़की का बाप भावुक, क्षण देखिए, हो मेरी भूल सी बच्ची। बोला ऐसा फूल तो अफ्रीका में भी नहीं खिलता है, तेरी इस फूल सी बच्ची ने मेरे फूल चुगने वाले काम कर रखे हैं। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा
तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी खड़ी हुई थी बगल में, वो रो रही थी बेचारी। बोला कौशल्या रोए क्यों है? कह रही या तो आज वो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और रोना के बस। बहुत अच्छे विनोद। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो भाई साहब एक बच्चा रस्ते में आ गया, कर अंकल जी रात को शादी का लड्डू नहीं खाया था, लड्डू खिला दो। कर अंकल जी रात को शादी का लड्डू नहीं खाया था, लड्डू खिला दो। कर हट जा। कर अंकल जी लड्डू खिला। कर साले तू मेरी 13वीं का लड्डू खा के मन नगा। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ आके उसके पैरों में लिपट गई। बोला मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जा दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट के गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। अब उसे लगा बस डोली वाली कार बाहर तक खड़ी हुई है। इतने में से फिर किसी ने पीछे से आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? अब लड़की की दादी आई। लड़की की दादी भाई 1965 वाली। मेरी बेटी यार। अरे भैया के कह रही है यो? तो एक बगल में खड़ा, अरे भैया बूढ़ी औरत है, सांस उखड़ रही है, सांस थोड़ी सी सांस सांस ना फूल रही है, सांस फूल रही है। कह रहा साड़ो किसी की उखड़ भी तो रही है। तो दादी ने रोना स्टार्ट किया। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ए, ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। वो बिल्कुल डोली वाली कार तक पहुंच गया। वो कहला जल्दी से दरवाजा खोल। बोला जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो छठी वाली गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचा। कह रहे जल्दी से दरवाजा खोल। कह रहे अंकल जी वो, अरे जल्दी बोल अंकल जी वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो उस गाड़ी तक पहुंचा। कर इतना मजाक सूझे ना मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। इतने में छोटा भाई आ गया। कह रहा दीदी इस गाड़ी में नहीं जाएगी, दीदी उस गाड़ी में जाएगी। बड़ा वाला भाई बोला क्यों भाई, मैंने इस पर फूल लगवा रखे हैं। छोटा वाला भाई बोला भाई मैंने भी तो फूल लगवा रखे हैं। कह रहा नहीं बहन इसमें ही जाएगी। छोटे वाला बोला फिर मेरी गाड़ी में? वो बोला मेरी लाश रख लियो। वो किसी तरीके से बोला भाई चल इसी गाड़ी में बैठा दे। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। कह रहे जी ये वाला दरवाजा जहां मैं वहां से लेके आओ। वो वहां लेके जाने को इतने में एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों क्या हो गया? कह रहा अंकल जी यहां से गाय आ रही है। बोला गाय को बोल यहां से भैंस आ रही है। पर जैसे उसने लड़की को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी के चारों टायर पंचर। लड़की का बाप बोला रहा निकाल है निकाल, ये तो ठूसती बहुत मुश्किल से इसमें। पर किसी तरीके से जेसीबी आई, लड़की को विदा कराया। अगले ने जैसे ही चैन की सांस ली, लड़की का बाबू बोला रहा चैन की सांस क्यों ले वे? अभी तो पग फेरा भी होना गांव का, छोरी फिर घर में आएगी और फिर जाके देना। थैंक यू वेरी मच विनोद पाल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।